हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिवाइन वर्सेस एमयूए के डिस्ट्रैक्ट के बारे में, और अमित बडाना, कैरी मिनाटी और साथ ही साथ राउंड टू एल ने अपने डायमंड प्ले बटन का अनबॉक्सिंग अभी तक क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के, और दोस्तों इस पूरी न्यूज को विस्तार से जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिएगा। दोस्तों बता दूं आप लोगों को, एमयूए बनता है 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपना नया म्यूजिक वीडियो रिलीज कर चुके हैं, जिसका नाम है हार्ड। बेसिकली ये एक डिस्ट्रैक है जिसमें कि एमयूए ने डिवाइन और कृष्णा को पोक किया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले डिवाइन ने एमयूए को पोक करते हुए इंस्टाग्राम लाइव पर कुछ कहा था। अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्बम डाला था अभी, मैंने टीम से पूछा तो 80 मिलियन स्ट्रीम्स हुए यूट्यूब पे, नहीं खाली स्ट्रीम्स में, क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है कि तुम्हारा तुम कहाँ पे खड़े हो। यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है, यूट्यूबर अलग है और आर्टिस्ट बनना अलग है, म्यूजिशियन अलग है और यूट्यूबर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। दोस्तों उसी का रिप्लाई दिया है एमयूए बंटाई ने अपने लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो हार्ड में। तो दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, मचाएंगे अकेला 110 मिलियन स्ट्रीम पे, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे बेटा वो तेरा ड्रीम है, यूट्यूब पे अकेले हम शॉट दे रहे सबको, ये तंबाकू ढसा के मुंह में बना रहे ले टीम है, चल देख लूंगा किसमें कितना दम, अखी एल्बम फेंक दूंगा जैसे बम, रातों रात कानो कान खबर नहीं, गाने बना शाने तुझे फैंस की कोई कदर नहीं, मर्डर नहीं फिलहाल हाफ मर्डर पास मेरे, कितना भी कम कर ले नहीं आएगा पास मेरे, गैंगस्टर बन के घूमे सारे 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 नकली। अच्छा ना, उसके बाद डिवाइन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये पोस्ट किए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हंसने वाला इमोजी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसे देख के क्या लग रहा है, डिवाइन किसको पोक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एमयूए बंटाई 1 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और वो बात किए डिवाइन के बारे में। देखिए दोस्तों उन्होंने क्या कहा डिवाइन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो प्लेटफॉर्म। ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 110 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स मचाएंगे पे, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे प्रूव करना है दैट आई एम समथिंग, ये वो सब अपना अपना करो, मस्त करो, स्टे गुड मैन, अपना म्यूजिक बनाओ, लेकिन काहे के लिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने में पब्लिक जुड़ी रहती है, मेरे को समझ में नहीं आता, बिकॉज अपन कभी भी किसी बात से स्ट्रेस नहीं लेते ना, फर्क पड़ता है क्योंकि अपन अपना मचा रहे हैं, एंड वी नो वी आर डूइंग इट मैन। और ये लोग इतना पटेली मारते हैं कि ऑडियो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम, ये वो आर्टिस्ट भी ऑडियो प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरे भाई लोग क्यों डालते हो गाने थे यूट्यूब पे, तो तुम मत डालो ना, इतनी पटेली अगर करनी है देन डोंट पुट म्यूजिक और म्यूजिक वीडियो रिलीज मत करो यूट्यूब पे तुम लोग, फिर यूट्यूब पे बंद कर दो। जब ये यूट्यूब पे हार गए, जब यूट्यूब पे नहीं कर पाए कुछ, व्हेन दे कांट टैकल मी, जब मेरे नंबर्स नहीं शॉट दे पा रहे, तो अभी दूसरा बहाना ढूंढ निकाले कि हाँ ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, देखो ऑडियो प्लेटफॉर्म में मचा ले, अपन ऑडियो प्लेटफॉर्म में आटे दे रहे हैं, मेरा भाई ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी हूँ, मेरा भाई सो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी अपना गाना है, एंड यस वी आर किलिंग इट एवरीवेयर। ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 110 मिलियन स्ट्रीम सिर्फ मचाएंगे का मैंने नंबर बताया, बाकी का मेरे को कोई गिनाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को गिनाने नहीं बैठा, मैं बस दुआ करूंगा अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सब अच्छा करे, सब आर्टिस्ट बहुत अच्छा करे, सब आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अच्छी नीयत से बढ़े, अच्छा काम करके बढ़े, खोटा किसी को बिन मतलब उंगली करके नहीं, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ मैं तभी डिस सीन में वापस उतरता हूँ जब मुझे कोई खोटा खोटा उंगली करता, तुम लोग लाइक तुम भी जानते रहोगे पब्लिक बिना मतलब उंगली 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 करते। ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी वी आर किलिंग इट, एंड वीडियो यूट्यूब पे भी वी आर किलिंग इट, वी आर डूइंग इट ग्रेट, एंड आप भी अच्छा करो, मैं सब आर्टिस्ट को यही बोलूंगा, आप भी अपनी लाइफ में मस्त करो, अच्छा करो, एंड नकली गैंगस्टर्स बन के कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड यूट्यूब ने अपने को पहचान दिलाया, इतना बोल रहे हो स्ट्रीम्स के बारे में तो यूट्यूब पे आपसे गाना नहीं आना चाहिए तुम लोग, यूट्यूब पे डालना नहीं, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ही जान दो तुम्हारे गाने एंड उस पे ही करो। एमयूए का रिप्लाई देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि डिवाइन, रफ्तार, कृष्णा और ए वंडा, इन चारों के बीच डिस्ट्रैक्ट दोबारा से चालू होने वाला है, काफी मजा आएगा इसे देखने में। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रफ्तार के बारे में। तो दोस्तों लगता है लेटेस्ट खबरों से कि रफ्तार कुछ चैनलों पर स्ट्राइक मारने वाले हैं। वो अपनी स्ट्राइक किस चैनलों पर मारेंगे वो इसके बारे में बताते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट किए थे, पर पत्थर रख के आज कुछ वीडियोस पर स्ट्राइक मारूंगा, मैं हमेशा से ही सिर्फ लोगों को सपोर्ट करते हुए आया हूँ, लोग तो हमारे कंटेंट को यूज करके गलत क्लिकबेट लगाते हैं, ये अंदर के कलाकार का दिल दुखता है, लोग नाम कमाओ यार, यूट्यूब से पैसे भी कमाओ, कंटेंट भी इस्तेमाल कर लो कोई बात नहीं, क्लिक बेट की वजह से किसी और की मेहनत पर फर्क पड़ता है, पेट से व्यूज आते हैं आई नो, एक नेगेटिव परसेप्शन है, एक तरह से मैकेनिज्म को भी बढ़ावा देना है, हो इशारा काफी है, जब तुम मैं इंसानियत नहीं तो मैं भी कितनी दिखाऊंगा, मेहनत करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, वादा है मेरा। ये तो अभी नहीं पता है कि रफ्तार एग्जैक्टली किस टाइप के वीडियोस पर स्ट्राइक मारेंगे, जो रफ्तार का कंटेंट यूज करते हैं और साथ में क्लिक बेट भी यूज करते हैं तो उन पे वो स्ट्राइक जरूर मारेंगे, ये कन्फर्म है। तो अब बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। जी हाँ, हमारे रोस्टिंग यूट्यूब के कैरी मिनाटी 2 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किए थे, आई कांट स्लीप फॉर मोर देन 5 आवर्स, आई माइट बी हैविंग एंजाइटी और मे बी आई एम इन लव, एनी वे बोथ आर डेडली। बता दूं आप लोगों को, कुछ टाइम से कैरी मिनाटी ऐसे ही ट्वीट करे जा रहे हैं कि आज वो सिर्फ 3 घंटे सोए या फिर 4 घंटे सोए,
कि वो बताए एंजाइटी है या फिर वो शायद प्यार में पड़ गए। तो अब आप लोगों को बताता हूँ अमित भड़ाना के बारे में। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक स्टोरी पोस्ट करी जिसमें कि उन्होंने लिखा है सम पीपल स्टिक विद यू टू बास्क इन योर लाइमलाइट एंड दे एग्री विद एवरीथिंग यू से बट सडनली योर वर्ड सीम विनोमिनस वेन यू टेल देम टू वर्क हार्ड एंड डू समथिंग विद देयर लाइफ। तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दोस्तों जब आप उन लोगों को लाइमलाइट देते रहोगे तो वो आपकी हर बात मानेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। दोस्तों जब आप लोग थोड़ा सा कठोर बन के उन लोगों से कहोगे कि जिंदगी में कुछ मेहनत करो कुछ बनने के लिए, तो वो आप लोगों को गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हारे लिए जहरीली बन जाएंगे। के नीचे लिखा है इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दोस्तों साफ तौर पर तो पता नहीं चल पाया कि अमित भड़ाना ने इस स्टोरी में किसको पोक किया है। तो राउंड टू हेल की बात करी जाए तो राउंड टू हेल के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। के ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राउंड टू हेल एक वीडियो भी शेयर किए थे। कैप्शन में भी लिखा था 13 मिलियन के लिए दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राउंड टू एल को बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तब भी उनका यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन क्यों नहीं आया है। इसको रिस्पॉन्ड करते हुए राउंड टू एल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट किए थे, पीपल आर आस्किंग अस दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स व्हाई हैज नॉट योर डायमंड प्ले बटन कम येट सो द। उन्होंने इस स्टोरी को पोस्ट करते हुए कि बताया है कि डायमंड प्ले बटन आ चुका है और उन्होंने लॉकडाउन की वजह से इसे इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है। तो साफ सीधी बात है लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो एक अनबॉक्सिंग की वीडियो आ सकती है राउंड टू एल की तरफ से, या कंफर्म आएगी ही। दोस्तों आज के लिए बस इतनी न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फोर्थ एम्पायर को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ज्यादा नहीं 20 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।